तो आज हम लोग बात करेंगे आर्म रेसलिंग की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे लिए या कोई भी जिसको आर्म रेसलिंग का शौक है, स्ट्रांग होना है, उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज चार कौन सी है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो हमारी पहली एक्सरसाइज जो है वो है सीटेड ईजेड बारबेल कर्ल। ये नॉर्मल बारबेल कर्ल है, बट हम इसे बैठ के करेंगे तो पार्शियल मूवमेंट रहेगी, लेग्स तक हमारी मूवमेंट रहेगी बारबेल की। एक्सप्लोसिवली कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, स्लो नीचे लेके आना। और लास्ट के जो दो तीन रैप्स हैं देखना, मैं नीचे बारबेल को प्रॉपर पूरा रोकूंगा, फिर ऊपर मूवमेंट इनिशिएट करूंगा दोबारा से। तो इससे हमारी एक्सप्लोसिवनेस जनरेट होगी टेबल पर, जब हम बिल्कुल ज़ीरो से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं पूरी फोर्स लगेगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द ग्रिप। देखो आप मैं कैसे ले रहा हूँ, थंब ऊपर रखा हुआ है, वेस्ट बना रखी है मैंने, बारबेल को हल्का सा बॉडी से आगे लेके आया, कंट्रोल किया मसल, कंट्रोल करके कॉन्ट्रैक्शन लेके आना है और पार्शियल मूवमेंट रखनी है, पूरा नीचे तक नहीं लेके जाना। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बेंच पे हम हैमर कर्ल्स करेंगे पार्शियल्स। वेट हैवी लेंगे, 8 to 10 रेपिटेशंस लगाएंगे, 3 से 4 सेट। एक्सप्लोसिवली ऊपर लेके आना है डंबल को और नीचे स्लो लेके जाना है। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वीडियो में आपको नहीं शायद दिख रहा होगा कि हमारा मेरा जिस हाथ में मेरा वेट है वो वाला फुट मेरा आ गया, दूसरा फुट पीछे रहेगा कि बॉडी स्टेबल रहे और हम वेट को कंट्रोल कर सकें। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है डंबल प्रोनेशन कर्ल्स। ये आजकल मैंने लोगों को देखा जूडो बेल्ट से करते हैं, बेल्ट से भी अच्छा आता है, बट हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है जिम में एक्स्ट्रा, तो डंबल सबके जिम में होते हैं, हम नॉर्मल डंबल से रोटेशन करके प्रोनेशन कर्ल्स करेंगे।